नहीं है बेटा, हमें पता था कि ये घर हमारे हाथ से निकलने वाला है और आज तो निकल ही गया। देखिए चाचू, ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। Excuse me, Mr. Shekhawat. Hi. मेरा नाम विरेन वडेरा है। देखिए मिस्टर शेखावत, जो घर आपने खरीदा प्लीज घर में वापस कर दीजिए। इसकी जो भी कीमत है हम देने के लिए तैयार हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय फ्रेंड, लेकिन ये घर मैंने खरीदने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। लिसन, आपने प्रॉपर्टी जितने में ही खरीदी है, हम उसके लिए आपको डबल पैसे देने के लिए रेडी हैं, लेकिन वी वांट दिस हाउस राइट नाउ। मिस्टर वीरेन वडेरा, आप पैसों से हर चीज नहीं खरीद सकते। डबल तो क्या, आपने 10 गुना भी कीमत लगाई होती ना, तो भी मैं ये घर आपको नहीं बेच सकता था। लिसन, प्रॉब्लम क्या है आपको, ये अकड़ किस बात की तुम्हें? विराट, शांत हो जाओ, बात करो ना। मैं देखिए मिस्टर करण, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, प्लीज ये घर हमें वापस दे दीजिए। देखिए, ये इस घर में जो लोग रह रहे हैं, पिछले 50 साल से इस घर में रह रहे हैं, उनके लिए इस घर से उनकी अनगिनत यादें जुड़ी हैं। ये घर उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं, उनका अतीत है, उनका आज है, उनका कल है। प्लीज उन्हें इस तरह बेघर मत करें। सर, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए, ये बैंक के टेम्प्ररी पेपर्स हैं, इसमें लिखा है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने घर में रह सकती हैं। आपको आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता। बैंक के पेपर जब मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे तो मैं वापस उनको आपके नाम पे ट्रांसफर करवा दूंगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दे दूंगा। ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा।
प्लीज ये पेपर्स एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू मिस्टर शेखावत, आपने हमारा मान रख लिया, लेकिन प्लीज हमें बताइए कि इस घर की कीमत क्या है ताकि हम चुका सकें। पैसों से आप हर चीज नहीं खरीद सकते, जज्बातों को नहीं खरीद सकते, प्यार को नहीं खरीद सकते। मेरा ये घर खरीदने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये घर मैं उन्हें वापस लौटा सकूं जिनकी ये अमानत है, और वो भी बिना किसी कीमत के। लेकिन क्यों आप हम पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हैं? ना बेटा ना, ये हमें मंजूर नहीं है। मुफ्त का हमें ये घर देना जैसे खैरात देना होता है, नहीं, हमें नहीं चाहिए। जी सही कह रही है, हम किसी अजनबी से इतना बड़ा एहसान थोड़ी ना ले सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए अजनबी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे लिए अनजान नहीं। दरअसल बात 20 साल पुरानी है। मेरे पापा और आपके बड़े भाई महेश अंकल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पापा की शुगर फैक्ट्री थी जिसमें अचानक एक दिन ताला लग गया। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि महेश अंकल ने उस वक्त हमारी मदद ना की होती तो हम लोग सड़क पे आ गए होते। उन्होंने ज़मीन बेच के हमें पनाह दी, पापा को नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे भी दिए, जो कि अब अरबों का एम्पायर बन चुका है। अब आप ही बताइए, ऐसा फरिश्ते जैसा इंसान जिसने हमारी इतनी मदद की हो, हमें नई ज़िंदगी दी हो, उनके घर वालों को मैं बेघर होता हुआ कैसे देख सकता हूँ? जैसे ही पता लगा कि महेश अंकल के घर की नीलामी हो रही है, मैं अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके सीधा यहाँ आ गया। आप मुझे निराश मत कीजिएगा। वेरी काइंड ऑफ यू मिस्टर शेखावत, लेकिन मैं बस आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस घर की जो भी कीमत है प्लीज हमें बता दीजिए ताकि वो हम चुका सकें। मैंने कहा ना, मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए। महेश अंकल ने हमारी इतनी मदद की, क्या उन्होंने हमसे कोई कीमत मांगी? नहीं ना, तो फिर मैं भी कैसे मांग सकता हूँ? जिंदगी में आप हर चीज का मोल नहीं लगा सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना ही खरीदी जाती हैं और ना ही बेची जाती हैं। प्लीज रिश्तों के मोल को पैसों में मत तोलो। प्लीज इसे रख लीजिए, मेरा एहसान समझ के नहीं, अपना पोता समझ के। जी वो मैं स्वामिनी दीदी के लिए चाय लेकर जा रही थी, आज वो लंच करने भी नहीं आई, और तरुण बता रहा था उनके सर में दर्द है। हाँ बेटा, उसका सर भारी था, आराम नहीं मिला काफी दिनों से, इसलिए आराम कर रही थी। तुम चाय बाद में ले आना बहू। ठीक है बाबूजी। वैसे स्वामिनी दीदी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरा मतलब वो आजकल इतनी खामोश रहती हैं, हमेशा अपने कमरे में रहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो और वो हमें बता नहीं रही हो? नहीं बेटा, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। पिछले हफ्ते विराट और मानवी की शादी में व्यस्त रही, फिर उसका वो एनजीओ का काम। वैसे बाबूजी मुझे ऋषिकेश की चिंता हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा उस घर में। आपकी वीरेन से कुछ बात हुई क्या? नहीं बेटा, बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं फोन जरूर करूंगा। अगर मैं तुम्हें लाख दुआएं भी दूं ना, तो कब होगी?
शुक्रिया बीजी, सॉरी आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना अगर मैं आपको बीजी कह के बुलाऊं? मैं अपने आप को आज बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। महेश अंकल जिन्होंने हमारी इतनी मदद की, आज मैं उनके घर वालों के कुछ काम आ सका। अरे इस सब के बीच हम मानवी की पग फेरे की रस्म ही भूल गए। ब्याह के बाद हमारी बेटी पहली बार घर आई है। लौटी नहीं हूँ, जबरदस्ती आई हूँ भाग भाग के। अगर मेरी पग फेरे की रस्म आज भी पूरी नहीं ना तो मैं चंडीगढ़ वापस। अरे रुक तो बेटा, मैं अभी तेरे वास्ते रस्म की थाल सजा के लाती हूँ, ठीक है? ए दुश्मन, थाली सजा के लाना, अपने आप को नहीं सज के तज के। अच्छा तो आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, चाय नाश्ता तो करके जाओ। नहीं नहीं मैं चलता हूँ, अब तो मैं आते ही रहूंगा, अब तो ये मेरा भी घर है। I'm sorry, उस तरह से नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अभी ये वीरेन के बचपन का कुछ सामान है। उसके कपड़े, उसके खिलौने, उसके हाथ के बनाए हुए कुछ कार्ड्स, ये बचपन की तस्वीर है। ये सब हमारी कबर्ड में था, इसे आप रख लीजिए। दीदी आप वीरेन से नाराज है ना? विराट और मानवी की शादी वाली रात जो कुछ भी हुआ, वीरेन ने आपसे जो कुछ कहा, उसकी वजह से आपके दिल में वीरेन के लिए? नहीं भाभी, वीरेन के लिए हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। जितना प्यार हम उससे पहले करते थे उतना अब भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। फिर दीदी वीरेन की बचपन की यादें जिन्हें आप हमेशा संजो कर रख दिया है, उसे आप वापस क्यों कर रहे हैं? जरूर आप उस दिन की वजह से वीरेन से नाराज हैं। नहीं भाभी, हम वीरेन से नाराज नहीं है, लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि शादी वाली रात जब सब हमसे सवाल कर रहे थे तब शायद हमें इतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन जब वीरेन ने वही सवाल हमसे किया कि जीविका हमारी वजह से घर छोड़कर चली गई, तब हमारा कलेजा छलनी हुआ। चोट सिर्फ हमारे दिल को नहीं, आत्मा को भी लगी। दीदी वीरेन की प्रतिक्रिया बस क्षण भर की थी, उसके मन में आपके लिए कभी गलत भावना आ ही नहीं सकती। वो आपकी भी उतनी इज्जत करता है दीदी जितनी मेरी। हम भी ऐसा ही सोचते थे भाभी, लेकिन अब हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो गए। जरा सोचिए, हमारी जगह अगर आप होती तो क्या वीरेन आप पर उंगलियां उठाता? क्या वो आप पर शक करता भाभी? और वीरेन की जगह अगर हमारा अपना खून होता, हमारा कोई अपना बेटा, तो जो वीरेन ने किया वो ऐसा कभी नहीं करता, कभी नहीं। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन एक माँ और एक बुआ में फर्क होता है भाभी, और उस फर्क को कोई नहीं मिटा सकता।
कोई भी। टन टन टन, गरम गरम हलवा खाओ और करण के गुण गाओ। यस, सच में माँ, को तो पता ही नहीं चला एक अनजान इंसान कहां से आके हमारे घर को इलाम होने से बचा लिया है ना। तू कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया डब्बे, एक हफ्ते में इतना काया पलट। अरे हमारे डब्बू को पहले जैसा मत समझ, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, इसने तो काम भी करना शुरू कर दिया। कहां डब्बू, तू काम करने लग गया? सच में मानवी, तेरा भाई अभी कमाने लगा है। मतलब डब्बू तू कमाने लग गया? मेरा भाई कमाने लगा, ये तो दासू न्यूज़ है। डब्बू, आज तक मैंने तुझे जितनी भी फ्री में राखियां बांधी है ना, उनके सारे फ्यूम्स में एक एक करके लूंगी, वो भी सूद समेत। मुझे भी हाँ, दी का भी दी, डील का। पिंकी, तूने वीरेन को हलवा नहीं दिया? अभी दे देती बीजी। मैं देखा तू। अच्छा, थैंक यू। क्या बात है भाई, आप इतने खोए खोए क्यों? अब तो सारी टेंशन खत्म हो गई ना? नहीं विराट, सोच ना, आज के वक्त में अपने अपने काम नहीं आते, तब इस सिचुएशन में एक पराया इतनी बड़ी मदद कर दे, पता नहीं विराट कुछ कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। भाई बेकार में टेंशन ले रहे, करण ने भी बोला ना, भाभी के डैड ने उसकी फैमिली की काफी मदद की थी, शायद उसी का फर्ज निभा रहा। अब देखिए ना, सब लोग कितने खुश हैं, सब कुछ ठीक हो गया, घर मिल गया। अब आप भी खुश हो जाइए और लीजिए हलवा खाइए। अब मैं अपना हलवा लेके आता हूं। बीजी, बीजी, आज हमारे लिए इस घर में एक नई शुरुआत है, तो मुझे लगता है हमें इस नए दिन की शुरुआत इस नारियल को फोड़ के करनी चाहिए। अबे ढक्कन, शुरुआत तो कब की हो चुकी है, सब लोग खुशियां भी मना चुके हैं, इसे अब याद आई है नारियल फोड़ने की। इस घर में ना बस एक चीज रह गई है फोड़ने के लिए, वो है तेरा सर। दी, आप मेरा सर फोड़ो या धर, लेकिन बाद में, पहले जी आप ये नारियल फोड़ लो ना। और हाँ बीजी, पूरा दम लगा के फोड़ना। चलो चलो। माता, इसी तरह हमारे परिवार की रक्षा करते रहना। जी दादाजी, क्या खबर है वीरन बेटा? दादाजी सब कुछ ठीक हो गया, घर में मिल गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे पूरा विश्वास था कि जिस काम के लिए तुम गए हो उसमें जरूर कामयाब हो गए। नहीं दादाजी, लेकिन जब तक हम पहुंचे तब तक नीलामी ऑलरेडी हो चुकी थी। नीलामी हो चुकी थी? और दादाजी, उसी मदद के बदले आज करण ने चौधरी परिवार की इतनी बड़ी मदद कर दी। ये तो बड़ी हैरत वाली बात है बेटा, जिस बात का ना कोई गवाह है उसके लिए एक अनजान आदमी इतनी बड़ी रकम अदा करता है। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। खैर चलो, अच्छा हुआ घर नीलाम होने से बच गया, मैं बाद में बात करता हूं बेटा। जी मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।